हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल की वीडियो लेकर आ गई हूँ। बट उससे पहले मैं आपका जो हम सभी का प्रॉब्लम होता है, आई लेसेस अच्छे से नहीं लग पाती है, तो आई लेसेस से रिलेटेड जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत जो भी दिक्कतें आती हैं, आज सारी क्लियर होने वाली हो। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते जल्दी स्टार्ट करते हैं। आई लेसेस लगाने के लिए सबसे पहली बात जो आपको इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो जब भी आप आई लेसेस अप्लाई करते हो तो आप नोटिस कीजिए, आई लेसेस को इस तरीके से निकालिए और ध्यान से देखिए। आप देखोगे कि एक साइड हमारी छोटी पलके दी हुई है और एंड एक साइड बड़ी दी हुई है। जो हमारी छोटी पलके हैं, जिस साइड से छोटा स्टार्ट हुआ है वो हमारा इनर कॉर्नर का साइज है, एंड जो साइड लंबा है वो हमारा आउटर कॉर्नर का साइज है, ठीक है। उस और डायरेक्ट हम लोग को ऐसे अप्लाई नहीं करना होता है आई लेसेस। सबसे पहले आपको अपने इनर कॉर्नर के स्टार्टिंग पॉइंट से तो आई लेसेस कभी नहीं लगानी है। आपका जो ओरिजिनल आई लेसेस है वो भी आपके स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं होता है, थोड़ा सा छोड़ के होता है, तो वहीं से आपको स्टार्ट करना है। आप कोई भी आई लेसेस ले रहे हो, पहले अपनी आईज पे इस तरीके से रख के चेक करो क्या ये आपके आईज के अकॉर्डिंग साइज ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये साइज ठीक नहीं है तो आप इसको दोनों साइड से थोड़ा सा कट करोगे। मुझे ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको कट करूँगी। आई लेसेस में आप देखोगे अक्सर हमारा ये साइड में जो कॉर्नर होता है यहाँ पे थोड़ा सा निकला होता है, तो इसको काट के निकाल देना है दोनों साइड से। और अगर आपको आई लेसेस छोटी करनी है तो आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने इतना कट करके निकाल दिया, आई होप कि क्लियर दिख रहा हो। इतनी आई लेसेस कट करके निकाल दी हैं, दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए इतना मैंने कट करके निकाल दिया इसको, ओके। अब जो हमारा बचा हुआ आई लेसेस है इसको हम लोग अच्छे से इस तरीके से कर्ल करेंगे और आई लेसेस ग्लू लेंगे और इस पर अप्लाई करेंगे। पूरा देखिएगा अच्छे से समझने के लिए कि कैसे अप्लाई करना है आपको आई लेसेस। तो इस तरीके से अगर आप आई लेसेस लगाओगे तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड लंबे टाइम तक आपका जो आई लेसेस है वो निकलेगा नहीं जब तक आप चाहोगे नहीं। तो ये आई लेसेस ग्लू मैंने अपने फिंगर पर ले लिया है और इस तरीके से अपर डायरेक्शन में लगा रही हूँ। लगा लिया, अब इसको आपको 30 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ना है। तुरंत ग्लू लगाते ही आपको अप्लाई नहीं करना है, ओके। तब तक 30 सेकंड होता है, तब तक मैं अपने दूसरी वाली जो आई लेसेस है उसको कट कर लेती हूँ, ओके। इनर कॉर्नर से भी कट कर लेंगे, जितना एक्स्ट्रा निकला होता है आई लेसेस में ये साइड उसको कट कर लेना होता है। अब इस पे भी ग्लू अप्लाई करेंगे, अच्छे से ग्लू लगाना है। ग्लू लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, नहीं तो जो आपका आई लेसेस है वो अगेन चिपकेगा नहीं अच्छे से और आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा, आपका लुक भी खराब हो जाता है। तो ये हमने ग्लू लगा दिया है, इसमें हमने बाद में लगाया था तो इसको रख देंगे और इसको इसके हमारे 30 सेकेंड पूरे हो गए हैं। तो अभी अप्लाई कैसे करना है, ग्लू को मैं अच्छे से हाथों में से निकाल दे रही हूँ क्योंकि जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये दिक्कत आएगा हमारे पास। तो आपको इस तरीके से रखना है और अपर डायरेक्शन में ऐसे रखना है, नीचे की तरफ नहीं रखना है, अपर डायरेक्शन में रखना है और ईजिली आप इसको चिपका लोगे। आपने देखा मैंने पूरा इनर कॉर्नर से नहीं लगाया, थोड़ा सा छोड़ा है जिसकी वजह से मेरी आई लेसेस जो है वो ईजिली चिपक गई है। कर्लर है तो आप कर्लर अप्लाई कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो ऐसे करके जैसे मैंने किया है ऐसे करके अपर डायरेक्शन में इसको रखना है। हम लोग अक्सर आई लेसेस क्या होता है नीचे को करके इस तरीके से अप्लाई करते हैं, देखिए बता रही हूँ, आई लेसेस हम लोग अक्सर ऐसे अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से जो हमारी ब्राइडल होती है या फिर जो भी आई लेसेस लगा रहे हैं उनकी उनको अपनी आईज बहुत भारी भारी लगती है और उनको टाइम से पहले अपना आई लेसेस रिमूव करना पड़ता है। और मैंने इस तरीके से लगाया तो मेरा आई लेसेस का लुक भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड ये नीचे की तरफ नहीं आएगा एंड हैवी भी फील नहीं होता है, काफ़ी अच्छा सा लुक आ जाता है। अब इसको भी अप्लाई करेंगे देन ऊपर की तरफ रखेंगे
और आईलैशेस चिपकाते हुए इस तरीके से अपने लैस लाइन पे अप्लाई करेंगे। तो आपने देखा दोनों आईलैशेस बहुत इजीली मैंने यहाँ पे लगा लिया है। देन ऊपर की तरफ इसको इस तरीके से कर देंगे। आप इसको एक मिनट तक कोई मस्करा कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। एक मिनट के बाद आप अपना मस्करा आईलाइनर जो भी अप्लाई करना है वो अप्लाई कीजिए ताकि इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए और ये अच्छे से चिपक जाए। ओके, वाह, तो आपने देखा बहुत अच्छे से मेरा ये आईलैशेस लग गया। और आई होप कि आपको सॉरी, ये मेरे हाथ में ग्लू लगा था जिसकी वजह से ये निकल गया, इसीलिए थोड़ा सा टाइम देना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। थोड़े टाइम के बाद आपको अच्छे से फील होगा कि ये बिल्कुल अच्छे से लग चुका है। आप खींचोगे हल्के हाथों से तो नहीं निकलेगा एंड टाइट हाथों से खींचोगे तो वो निकलेगा ही। तो आई होप कि आईलैशेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आई होप कि ये वीडियो के देखने के बाद से आपको आईलैशेस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट होगा, कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा एंड चलते हैं हेयर स्टाइल की तरफ। ये वीडियो मैंने एक घंटे के बाद ली थी, देखिए कितने अच्छे से आईलैशेस चिपक चुकी हैं। आप इसको जब तक रिमूव नहीं करोगे ये रिमूव नहीं होने वाली है। तो आई होप कि पसंद आया हो, जैसे मैंने बताया है एग्जैक्ट वैसे ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। हेयर स्टाइल के लिए मैं आपको चाहिए एक रबर बैंड, किसी भी टाइप का आप ले सकते हो, मैंने इस तरीके का रबर बैंड लिया है। देन अच्छे से बालों को फॉर्म कर लेना है। फ्रंट में आपको जैसा हेयर स्टाइल रखना है आप रख सकते हो। रबर बैंड को टाइटली लगाएंगे। उसके बाद आपको इस तरीके का होगा तो आप ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हो। यहाँ से इस तरीके से इंसर्ट करके बालों में, ओके, और पूनी का सारा हेयर इसके अंदर इस तरीके से निकाल देंगे। ध्यान से देखिएगा, ओके, इस तरीके से निकालने के बाद से आपको धीरे धीरे से ये जो आपने हेयर स्टाइल पूल करवाया है इसको खींचना है दूसरी तरफ। धीरे धीरे आराम से करिएगा तो निकल जाएगा। अब जो इस साइड का हेयर बचा है इसको आपको सिंपली चोटी बना लेनी है, छह पार्ट में डिवाइड करके, जैसे हम लोग सिंपल चोटी बनाते हैं वैसी चोटी। बराबर बराबर में तीनों पार्ट्स को बांट लेना है एंड सिंपल से चोटी बना लेनी है। एंड पार्ट पे आपको एक रबर बैंड लगा लेना है पतला वाला। ओके, आपको छोटी से थोड़ा सा खींचना है। खींचने के बाद आपको इस तरीके से इसको लेके जाना है और जहाँ से आपने हेयर इंप्लांट किया था वहाँ तक इस तरीके से ले जाएंगे और सिंपली यूपिन की मदद से इसको सिक्योर कर लेना है। दो तीन यूपिन लगा लीजिएगा जिससे कि जो हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे रहे। और इस तरीके से आपका बन बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। रबर बैंड को हाइड करने के लिए आप थोड़ा सा रबर बैंड को नीचे की तरफ खींचोगे और ये जो आपने चोटी का हेयर लिया हुआ है उनको एक साथ इस तरीके से चिपकाते हुए रबर बैंड के ऊपर से एक यूपिन लेके लगा दोगे और आपका रबर बैंड हाइड हो जाएगा और आपका बन बन के रेडी हो जाएगा। तो ये सिंपल सा इजी सा हेयर बन हेयर स्टाइल, और इसको आप करके मार्केट वगैरह जा सकते हो, साड़ी पे कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा।
थोड़ा सा ऊपर की तरफ से लेयर को इस तरीके से खींच लेंगे, देन आपको लेयर निकालना है तो आप लेयर भी निकाल सकते हैं। तो ये था आज का हेयर स्टाइल, आई होप कि आपको पसंद आया हो। इस तरीके की और भी न्यू और इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आईलैशेस लगाने का जो तरीका मैंने बताया है इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपकी आईलैशेस लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।